शिवपाल यादव की पार्टी के साथ समाजवादी पार्टी का गठबंधन हो चुका है। आधे घंटे तक अखिलेश यादव और शिवपाल यादव की मुलाकात हुई। अरसों बाद मुलाकात हुई थी और इस मुलाकात के बाद मीडिया से बिना बात किए अखिलेश यादव चले जरूर गए थे, लेकिन अब ट्वीट करके इस गठबंधन का ऐलान कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिहाज से ये एक बड़ी करवट के तौर पर देखा जाएगा, क्योंकि 2017 के चुनाव के जो नतीजे रहे उसके बीच में राजनीतिक विशेषज्ञों के द्वारा कहा गया था कि अगर शिवपाल यादव अखिलेश यादव साथ आकर लड़ते तो शायद नतीजे कुछ बेहतर होते, लेकिन अब इस विधानसभा चुनाव से पहले शायद सबक कहा जाए कुछ और या जरूरत कही जाए। यहां पर शिवपाल यादव और अखिलेश यादव एक दफा फिर साथ में आ चुके हैं और ये तस्वीर देखिए जो ट्वीट की गई, अखिलेश यादव उसमें मौजूद हैं और शिवपाल यादव उसमें मौजूद हैं और गठबंधन का औपचारिक ऐलान कर दिया गया है, यानी कि अब चाचा और भतीजा दोनों साथ में आकर के आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में राजनीतिक रस्साकशी करने के लिए तैयार हैं। हमारे सहयोगी आदर्श हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आदर्श, और क्या अपडेट सामने? आदर्श, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी, आप सवाल सुन रहे हैं। जी आदर्श, अभी तक की खाली अटकलें थी कि आखिरकार औपचारिक ऐलान कब होगा, अब अंततः औपचारिक ऐलान भी कर देगा, वो भी फोटो ट्वीट करके। बिल्कुल, फोटो ट्वीट की है और दोनों एक साथ उसमें खड़े नजर आ रहे हैं। निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और कहीं ना कहीं शिवपाल यादव की पार्टी के कार्यकर्ता भी ये चाहते थे कि ये दोनों पार्टियों का जो विलय है या यूं कहें कि जो एक दूसरे के साथ गठबंधन है वो हो जाए, और उसी को लेकर ये जो मुलाकात थी उसको लेकर अब आज मतलब एक तरीके से कहें कि औपचारिक तौर पर ऐलान कर दिया है कि गठबंधन की बात जो है वो तय हो गई है और क्षेत्रीय दलों को साथ लेने की नीति को सपा जो निरंतर मजबूत कर रही है, इसी के तहत अगर आप देखें तो पिछले कुछ दिनों में कई जो छोटे दल के नेता हैं या छोटे दल हैं उनको अपने साथ जोड़ा गया है, और इसी के तहत जो है इसमें एक संदेश और बढ़ा जाएगा क्योंकि दोनों के बीच का जो मतभेद था वो कहीं ना कहीं परिवार के। जी आदर्श, मैं वापस लौट रहा हूँ, माफ कीजिए रोक रहा हूँ मैं आपको। ओम प्रकाश राजभर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन के जरिए। राजभर साहब, इस ऐलान का, इस गठबंधन का जिक्र आपसे पहले हुआ था क्या, जानकारी थी आपको भी? देखिए, आप लोग अच्छी तरह राजभर को यही ना कहते थे कि राजभर जलेबी की तरह घुमाते हैं, और मेरी जो पहल हो रही थी आपने देखा था कि शिवपाल जी से हो चाहे चंद्रशेखर जी से हो चाहे वो आपके आम आदमी पार्टी संजय सिंह जी से हो, जितने लोगों से हम मिलते रहे हमारा प्रयास रहा कि सब लोग एक साथ मिलकर के चुनाव लड़े, और सभी लोग धीरे धीरे एग्री हो गए थे और सभी लोगों ने ये बात कहा कि चलिए समय आने दीजिए, धीरे धीरे सब लोग इकट्ठा होंगे। उसी कड़ी में आज शिवपाल जी के भी साथ आने को लिए राजी हो गए हैं, और लोग अभी आप देखते जाइएगा और लोग राजी होके आएंगे, तो जो पहल हमने किया है उस पहल का रिजल्ट आपके सामने आ रहा है। यानी ये आपकी की हुई पहल है जो ये फल लेकर आई है कि चाचा भतीजा एक साथ हो गए? तो हम तो पहले ही कह रहे थे कि परिवार परिवार का मामला सब ठीक हो जाएगा, खाली देखते जाइए आप लोग। ये बताइए सर कि जब चाचा भतीजे के मन में इतनी खटास थी, शिवपाल यादव कई दफा कह चुके थे कि भाई अखिलेश यादव नेताजी के घर आते हैं मुझसे मिलने आते नहीं, तो अचानक से ये तमाम पिछली बातें भूल कैसे गए, क्या फॉर्मूला तय हुआ? ऐसा है ना, देखिए इस समय ये वैज्ञानिक युग है, लोग मोबाइल से बतिया लेते थे और ये होता था कि समय रहने पर बात होगी। जब मैं कहता था आप लोगों से कि समय आने पर सब ठीक हो जाएगा तो लोग नहीं समझ पा रहे थे, अब वो समय आ गया है ठीक होने का, तो उसी में सब चल रहा है, आगे देखिए और भी ठीक होगा। जी मुझे याद है सर कि जब परिवार के बीच में झगड़ा हुआ और शिवपाल यादव अलग थलग पड़े तो रामगोपाल यादव को ने जिम्मेदार ठहराया था कि पूरा जो खेल खेल रहे हैं वही खेल रहे हैं, और अखिलेश से भी नाराजगी जाहिर की थी, आंख में उनके आंसू तक छलक आए थे, तो क्या वो पुरानी बातों को भूल गए? अच्छा ये बताइए कि किस परिवार में झगड़ा नहीं होता है? हाँ, परिवार एक नहीं होता है, भाई भाई में नहीं झगड़ा होता है। जी परिवार में झगड़े होते रहते हैं फिर परिवार एक हो जाता है। जी हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, देखिए राजनीति में सब संभव है, और बड़ी बात की वो परिवार के लोग हैं, चाचा भतीजा हैं, वो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, वो तो होता रहता है, कभी खट्टा कभी मीठा होता रहता है, लेकिन परिवार है, परिवार एक रहता है और रहेगा। लेकिन राजभर साहब, ये लड़ाई जो चल रही थी ये चुनाव से चुनाव तक ही कैसे चली? पिछले चुनाव में झगड़ा हुआ, इस चुनाव में गठबंधन हो रहा है, ये बीच के जो 5 साल लगभग गए उनमें बातचीत क्यों नहीं बनी थी?
बातचीत तो हो ही रही थी, ऐसा थोड़ा था। हाँ देखिए, हम हमारे आपके सामने वो बात नहीं आ रही थी, और आपने देखा होगा कि मैं अक्सर शिवपाल जी से मिलता रहता था जी, तो उसके पीछे सारी बात हम सबको नहीं ना बताते थे जी, और मैं आप लोगों के सामने कहता था कि सब ठीक हो जाएगा, परिवार का चाचा भतीजे का मामला है, कोई दिक्कत नहीं है, हम सब लोग मिल करके उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। यही बात शिवपाल जी भी कहते हैं, यही ओम प्रकाश कहते हैं, प्रेमचंद प्रजापति कहते हैं, बाबू रामपाल कहते हैं। अच्छा ये बताइए राजभर साहब, बहुत संक्षिप्त में जानना चाहूंगा कि जब आपकी शिवपाल यादव से मुलाकात होती तो अखिलेश यादव को लेकर चर्चा होती थी, क्या बात होती थी? बिल्कुल होती थी। क्या कहते थे वो? वो तो इतना तक कहते थे कि चलो हम लोग सब समय इकट्ठा चल चले, रहिए धीरे धीरे चला जाएगा बारी बारी। तो बारी बारी उन्होंने पहले हमको भेजा कि चलो पहले आप वहाँ जो है ठीक ठाक करो जी, फिर हम गए तो कुछ लोगों को लेके गए, फिर उसके बाद देखा आपने ठीक है सर जी, सब लोग धीरे धीरे जी। हालांकि सीट फॉर्मूला क्या बना सर, इस बारे में जानकारी लेंगे, फिलहाल मुझे एक ब्रेक ले रुकना होगा, ब्रेक के बाद जल्द वापस लौट रहे हैं और इसी बड़ी खबर पर लगातार बने हुए हैं।